नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। हमारे पास सैंपल आते रहते हैं, आप लोग ये देखते हैं कि भाई प्रायकर सैंपल के ही ये बनते हैं। आज आपको बता दूं स्टार्टिंग के अंदर ही, यदि हैदराबाद में कोई भी भाई चाय का बिजनेस करना चाहता है तो वो 100% सक्सेस होगा, क्योंकि वहाँ की चाय मेरे पास आई है, पहले भी आई थी, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था, बट अभी जो पोजीशन देख रहा हूँ उस चाय को देखते हुए बेस्ट से बेस्ट चाय और बेस्ट से बेस्ट रेट के अंदर हम हैदराबाद के अंदर दे सकते हैं आपको। आप काम को अपना आगे बढ़ाइए, स्टार्टिंग के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि लाख रुपये लगाना ही ज़रूरी है, आपकी जितनी इच्छा उतने से शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चाय के अंदर में। मैक्सिमम उस साइड के अंदर में, हैदराबाद साइड में, या आप पूरे आंध्रा को ले लीजिए, मैक्सिमम डस्ट टाइप की या आपके पीडी पीएफ डस्ट ओएफ ये सब ही ग्रेड ज़्यादा चलती है, और थोड़ी डाउन क्वालिटी की चलती है। जो यदि मैं बोलूँ सही मायने में कि जो चाय कहीं नहीं चलती, वो या तो कानपुर में चलती है या फिर हैदराबाद में आंध्रा में चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में। एक भाई है हमारे हैदराबाद के अंदर में, उन्होंने ये अपना सैंपल भेजा है मुझे, मिस्टर नागार्जुन बोन के हैं और एग्जैक्ट नागराज जी उनका नाम है। तो इसके अंदर में जैसे मिक्सर आसाम टी बोन के है, वहाँ पे एक ओनसेन की दुकान होगी, उसकी जो ब्लेंड मैंने देखी इस टू अमेजिंग, मैंने इस टाइप के ब्लेंड कभी देखे नहीं है मार्केट के अंदर में, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसके अंदर में। आप ये देखिए, इस ब्लेंड के अंदर में एक्चुअल में देखा जाए तो सारे नियम कानून तोड़े गए हैं, जो ब्लेंड बनाने की परिभाषा है उसके अंदर में। ये आप देख रहे हैं BOP एंड है, ये थोड़ा सा एक परसेंटेज दिया गया है, उसके अलावा फाइबर पूरा का पूरा भरती है इस चाय के अंदर में, और उस चाय के अंदर यदि देखा जाए तो PF की ज़्यादा मात्रा है, और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। टेस्ट वगैरह यदि देखें, डस्ट आप देख रहे हो नीचे के अंदर में जाएं तो डस्ट पूरा का पूरा जो ODCD का जो रहता है उस टाइप की डस्ट है इसके अंदर में। चाय में भी बहुत ज़्यादा कोई जान मुझे नहीं लगी उसके अंदर में, इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि हैदराबाद के अंदर में यदि आप चाय का काम करते हैं तो 100% हमारी गारंटी है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। दूसरी चाय हमारे पास में एक आई है ऑरेंज बोन के। ऑरेंज क्या है, घटिया चाय के अंदर में कलर मिलाया हुआ है वहाँ पे। इस चाय के अंदर एग्जैक्ट देखा जाए तो पुरानी चाय का गंध भी मार रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको ये मैं बाउल के अंदर में दिखाता हूँ, ये चाय के अंदर मानी पानी के ठंडे पानी के अंदर में डालकर, और जब देखा तो पूरा का पूरा कलर मिक्स है, लड्डू वाला बोले या केसरिया कलर बोले, कि ये चाय का जो कप है वो भी टोटल देखा जाए तो ऑरेंज कप है, और ऑरेंज कप बोलने से मतलब ये हुआ कि पूरा कलर मिक्स है उसके अंदर में, और चाय की टेस्ट का कोई भी आने जाना नहीं है इसके अंदर में। यदि देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर में कप, यदि आप देखेंगे तो ये कलर का ये कप है, जो कि इतना रंग है कि पूछो मत, यदि 2-4 महीने भी यदि इसको छोड़ दिया जाए तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। तीसरी चाय जो आई है मेरे पास में, वो चाय है वो भी हैदराबाद से ही है आपकी, एक ब्लेंड बनाया हुआ है वो भी उस टाइप का ही है। उन्होंने कोशिश काफ़ी अच्छी की है कि भाई मैं बाज़ार से बेटर चाय दे सकूं, लेकिन बाज़ार में जो चलेगा वही चलेगा। इसके अंदर में सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि इसके साथ में मेरे पास में लमसा चाय आई, और लमसा चाय आने से उसके अंदर जो इसेंस था वो चारों तरफ चाय के अंदर मिक्स हो गया, तो थोड़ा चाय का क्वालिटी पता नहीं चल रहा है, बट क्या है कि इनके खुद का मिक्सर है, काफ़ी अच्छा इन्होंने ट्राई किया है और चाय अच्छी भी है, बट और बेटर बन सकती है उसके अंदर में, ये एक मैं बात बताऊंगा। और नेक्स्ट में एक चाय के अंदर जा रहा हूँ, ये चाय है PD है, डायरेक्ट PD है किसी की, और PD के अंदर में भी बहुत कुछ दिखाई नहीं दिया कलर के अंदर में। ये चाय आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में मेरे यहाँ से भी मिल जाएगी OFPD का, और आप ये चाय ले सकते हैं हैदराबाद के लिए। जस्ट मैंने चाय का अपीयरेंस इसलिए दिखाया कि जो भी भाई सैंपल भेजते हैं यदि वो चाहते हैं कि उनका वीडियो बने तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
जेमिनी का मार्केट इसलिए ज़्यादा बेटर है कि वहाँ पे कोई भी बंदा अच्छी चाय देने वाला नहीं है एक ब्रांड के अंदर, एक अच्छी चाय के अंदर। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी भाइयों से जो कि ब्रांड के पीछे पड़े रहते हैं, जो भी भाई नया बिजनेस चालू करता है, प्लीज़ उनको भी चांसेस दीजिए कि वो एक अच्छी चाय आपको दे सके आपके रीज़नेबल रेट में। क्योंकि उनका घर भी, जो भी नए भाई चालू कर रहे हैं, उनका देखा जाए तो कोरोना के अंदर में काफ़ी डाउन हुआ है बिजनेस अर्निंग जो है, तो जो नया भाई चालू करना चाहे वो चालू कर सकते हैं। प्लस मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली ये बनाऊंगा, जो भी भाई हमारे साथ में जुड़ते हैं, कि आप इनसे चाय लीजिए और इनकी अर्निंग बढ़ाइए। कहीं ना कहीं हमें सबको ही एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। जेमिनी बहुत अच्छी चाय दी है, ब्राइटनेस है चाय के अंदर, सब कुछ है चाय की। एग्जैक्ट ग्रेडिंग के अंदर में देखें तो पीडीओएफ का ब्लेंड है इसके अंदर में, देखिए ना तो फाइबर है ना और कुछ है। तो टाटा ऐसे ही नाम नहीं करता है कहीं पे भी, अच्छी चाय देता है। इसकी वजह से ही जेमिनी का भी नाम है। जेमिनी की टाइप की चाय भी आपको हमारे यहाँ से रेगुलर वे में अवेलेबल हो जाएगी। अब चलते हैं सबसे बड़ी चाय जो कि लम्सा अपनी हैदराबाद के अंदर में। ये चाय आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट के अंदर में हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी लम्सा चाय। और लम्सा चाय जो वहाँ पे एक्चुअल में जो नीलगिरी की है, उनको मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि अपने मार्केट को बहुत ही संभाल के रखे हुए हैं। ये चाय भी आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट के अंदर में हमारे यहाँ से मिल जाएगी, यदि आप क्वांटिटी में ऑर्डर देते हैं या वैसा है। 1933 से लम्सा है। और चाय का धंधा जैसे कि मैंने बताया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसके अंदर चाय की यदि मैं बात करूँ तो चाय के अंदर में आपकी आसाम की ऑर्थोडॉक्स, नीलगिरी की ऑर्थोडॉक्स एंड प्लस आपके कुछ इसके अंदर में और भी जो है वेनिला फ्लेवर है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो वो क्या चीज़ है आप लोग मेरे से डिटेल में जब आप बात करोगे तो मैं बताऊंगा उसके बारे में सारी की सारी। क्योंकि किसी भी बिजनेस की सीक्रेसी ऐसे वीडियो के अंदर में यदि मैं ओपन करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका एक मार्केट है। जो भी भाई हमसे जुड़ेंगे उनको ये चाय मिल जाएगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। आप ये ध्यान से देख लीजिए इसके अंदर में। और ये चाय के वो आप वैसे भी पी सकते हैं जस्ट गर्म पानी के अंदर भी, और विदाउट दूध और दूध के साथ भी पी सकते हैं जस्ट एक फ्लेवर टाइप में। तो आपको और भी स्ट्रॉन्ग हमारी चेष्टा रहेगी कि बेटर से बेटर बना के दें। हैदराबाद में जो भी भाई काम करना चाहें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना अपना पिन कोड बता सकते हैं। आपको ये प्रॉमिस करते हैं अच्छी से अच्छी चाय हमारी तरफ से जाएगी। और जेमिनी चाहिए, चक्र गोल्ड चाहिए या आपको थ्री रोजेस चाहिए, वो चाय भी हमारे पास में अवेलेबल है, जो कि रेगुलर में बोलते आया हूँ कि आपको हर तरीके की चाय मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ में आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सब भाइयों को गुजारिश है कि यदि लम्सा जैसी चाय चाहिए तो वो चाय भी आपको मिल जाएगी हमारे यहाँ से। एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता है। आप लोग कॉमेंट में ज़रूर डालिए, व्हाट्सएप पे जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, मैं रेगुलर वे पे अवेलेबल रहता हूँ आप लोगों के लिए। एंड हमारी टीम धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी 100%। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए मैं हमेशा ये भूल जाता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये बताना। और शेयर ज़रूर करिए जो भी भाई चाय का बिजनेस करना चाहते हैं हैदराबाद के अंदर। और उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि नए भाइयों को भी चांस दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।